पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं और रांची से कई बार सांसद रहे हैं, और इस बार जो है कांग्रेस से रांची के लिए वो टिकट के दावेदार भी हैं। एक तरफ रामटहल चौधरी ने भी कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है, और अभी जो है सुबोध कांत सहाय दिल्ली से रांची लौटे हैं। तो आखिर दिल्ली में क्या बातें हुई हैं और आगे की क्या रणनीति, इन मुद्दों को लेकर सुबोध कांत सहाय जी से बात करेंगे। क्या बातें हुई हैं? देखिए, जो दिल्ली में बातें हुई है वो आपको प्रभारी महोदय से पूरी जानकारी मिल गई। उसके लिए हम अधिकृत नहीं है कि मैं बताऊं कि क्या कमेटी में क्या बातें हैं और क्या, लेकिन मैं समझता हूं कि झारखंड के 3-4 सीट जो है उस पर चर्चा हो चुकी है। अब उसका जो भी नीटी ग्रीटी है वो करके प्रभारी महोदय जब भी जाएंगे वहाँ फाइनल कंसल्टेशन के बाद अनाउंस करें। मतलब ये हम लोग मान के चलें कि रांची से सुबोध कांत सहाय चुनाव लड़ेंगे। मैं तो 5 साल लड़ता हूँ चुनाव और लोगों का सेवा करता हूँ, एक दिन सिंबल पे लड़ता हूँ, तो हमारा कभी ब्रेक हुआ ही नहीं। ये 4 दशक का राजनीतिक जीवन कभी ब्रेक हुआ ही नहीं। हम 3 बार MLA रहे, 3 बार मंत्री रहे, 3 बार मिनिस्टर MP रहे, तो ये सारा एक माध्यम है। लेकिन मेरा जीवन मिशन मोड पे काम करता रहा हूँ और कभी भी दरवाजा मेरा बंद नहीं रहा। मैं 15 दिन वाला उम्मीदवार नहीं हूँ। सुबोध भैया जिंदाबाद, 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 सुबोध भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। रांची के नेता कैसा हो? ये बताइए कि जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है वो कितना आम आदमी को छूता है? देखिए, उनमें जो सवाल है, कांग्रेस का मैनिफेस्टो यूपी में जब 10 साल मैं मिनिस्टर रहा, हमने क्या कहा, वादा किया था रोजगार का, राइट टू जॉब हमने दिया मनरेगा, राइट टू इंफॉर्मेशन सूचना का अधिकार दिया, कितना बड़ा हथियार आम आदमी के हाथ में आया कि 10 रुपए का एक पोस्ट कार्ड डाल दे, सरकार उसको जवाब देने के लिए बाध्य है। भोजन का अधिकार दिया, शिक्षा का अधिकार, ये मैंने बाई बर्थ ये अधिकार दिया। तो कांग्रेस पार्टी ने जिन राज्यों में जो वादे किए, चाहे कर्नाटक में, चाहे तेलंगाना में, चाहे पहले छत्तीसगढ़ में, राजस्थान, जहां जो किए इंक्लूडिंग आपके हिमाचल में, उसको पहला कैबिनेट में पास करता है। तो ये मैं कह सकता हूँ राहुल गांधी का और सोनिया गांधी का वादा रहा है, जिन्होंने प्रधानमंत्री का पद छोड़ के लोगों के आकांक्षाओं को सरकार के द्वारा लागू करवाते हैं। ये रामटहल चौधरी ने समाचार प्लस से कहा है बातचीत में, हम लोगों ने एक सवाल पूछा था कि यदि उन्हें टिकट नहीं मिलता है तो क्या वो सुबोध कांत सहाय या कांग्रेस को के लिए काम करेंगे, तो उन्होंने साफ तौर से इनकार किया है। तो क्या सोचते हैं आप रामटहल चौधरी के बारे में? रामटहल चौधरी जी हमारे पुराने मित्र हैं, हम लोग कभी चुनाव के दिन भले लड़ते हैं लेकिन कभी अलग नहीं रहे। उन्होंने पार्टी ज्वाइन किया है, अब मैं नहीं जानता हूं, क्योंकि हम लोग उनका स्वागत करने वाले में तो हम स्टेज पर हम भी उनका स्वागत किए दिल्ली में, हमारे घर भी वो आए थे, घर भी आए थे, हम लोग चाय पानी अपना किए। तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि ये मीडिया की बातें हो सकती हैं, लेकिन रामटहल भाई राजनीति के हर शिखर को पूरा पा चुके हैं। जो भी कांग्रेस का उम्मीदवार होगा, उन्होंने जब पार्टी ज्वाइन किया है तो MP बनने के लिए नहीं ज्वाइन किया, उन्होंने सम्मान के लिए ज्वाइन किया है। सरकार बनेगा तो स्काई इज द लिमिट। ये BJP का दावा है 400 पार का नारा है, उसको कैसे देखते हैं? इनका कितना पार रहा है, जितना पार रहा है उतने ही ये पार होते रहे हैं। कभी भी इनका कोई वादा पूरा हुआ है और कोई इनका क्लेम का कोई क्लेम पूरा हुआ है इनका? इसलिए ये सब फालतू बातें हैं, कंप्लीट फालतू बातें हैं। हकीकत यही है कि सारे वादे जुमला होते हैं
और इस बार जुमले की गारंटी है। ये थे सुबोध कांत सहाय जो रांची से कांग्रेस के प्रत्याशी के दावेदार हैं। उन्होंने कहा है भारतीय जनता पार्टी जुमले वाली पार्टी है, लेकिन आने वाले समय में रांची से किसे टिकट मिलेगा ये अभी भी सस्पेंस बरकरार है। समाचार प्लस के लिए कैमरामैन प्रशांत मित्रा के साथ अंजनी कुमार, रांची।